विधायक सुखेंद्र सिंह जी हैं, अभी आपने अपना पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद रीवा दर्शन से उनसे खास बातचीत करना चाहता है, इस बार क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? इस बार आपको पहले से भी पता होगा और मेरा मऊगंज जिला बनाने की मांग और बाण सागर का पानी, और जो मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह से चौपट हुई है उसको सुधारने के लिए, वही इस हालत हमारे मऊगंज में उसको सुधारने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और मऊगंज के मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इन 5 सालों में हमने बढ़ाया है उसको बढ़ाने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मेरा प्रयास रहेगा। पिछली बार आपने घोषणा की थी कि अगर जिला नहीं बनाया जाएगा मऊगंज तो हम मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देंगे, मुख्यमंत्री ने क्या इसी डर की वजह से जन आशीर्वाद यात्रा आपके क्षेत्र में नहीं निकाली? ये तो पूरा जिला पूरा प्रदेश जानने लगा कि मुख्यमंत्री मेरे डर से नहीं आया मऊगंज, और इसी कारण अगल बगल वो आए और समझ रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो जिला, इसलिए वो आए नहीं। इसलिए अब कोई बताने की बात बची नहीं है, अब मैं समझता हूँ कि अगर मऊगंज की जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद स्नेह रहेगा तो आने वाले समय में मऊगंज जिला के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि सुखेंद्र सिंह जी का साफ तौर से कहना है कि इस बार हर हालत में जिला बनेगा, और उन्हीं के डर की वजह से मुख्यमंत्री ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा मऊगंज में नहीं ले गए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।